वेलकम बैक टू अवर चैनल रिव्यूज जोन दोस्तों। और जैसे कि हम एक गेमिंग सीरीज फॉलो करते आ रहे हैं, जैसे कि MSI का पहले GL63, फिर MSI का GP75, फिर गेमिंग के लिए एक मॉनिटर, वैसे ही आज हम लेके आए गेमिंग के लिए एक हेडसेट जो कि Corsair HS50 है। इसका प्राइस अगर आप देखें तो 5000 के अप्रॉक्स है, जो कि आपको 4000 के आसपास मिल जाएगा। और इसे आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे ले सकते हैं। इसका परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ होगा। और अगर हम बात करें इस हेडफोन की, तो आप इसको देख सकते हैं। पहली बात तो ये ऑब्वियसली गेमिंग हेडसेट है, तो वायरलेस नहीं होगा। दूसरी बात, इसका काफ़ी मोटा तार है जो कि हेल्प करता है, इनफैक्ट अच्छी बात है, लेकिन आप काफ़ी हैवी फाइंड कर सकते हैं इसको थोड़ा सा तार को। और उसके बाद दूसरी बात देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा है हेडफोन, आपके कान को पूरी तरह से ये ओवर द ईयर हो जाएगा, आपका कान बिल्कुल पूरी तरह से अंदर चला जाएगा। इसके नॉइज कैंसिलेशन ऑप्टिमम है, मीन्स नॉइज कैंसिलेशन ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं सुनाई देगा बाहर का, लेकिन हाँ बिल्कुल काफ़ी नॉइज़ एक्सेलरेट कर देता है ये हेडफोन। उसके अलावा देखा जाए तो काफ़ी कंफर्टेबल है वियर करने में। ये जो पफ आपका दिया हुआ है, ये कुशन भी कुशनिंग अच्छा है। ऊपर से अगर आप इस जगह भी कुशनिंग देखें तो इस जगह भी कुशनिंग काफ़ी अच्छा है। आपको एक एक्सटर्नल माइक मिलता है इसके साथ, जिसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि डिटैचेबल है, और माइक को आप डिटैच और अटैच कर सकते हैं इस तरह से। वॉल्यूम आपको कंट्रोल करने के लिए प्लस या माइनस स्क्रॉल दिया हुआ है, साथ ही में माइक आप म्यूट कर सकते हैं इसे एक बटन को दबा के, और उसके बाद अनम्यूट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसके प्रोस की, तो इसका नॉइस कैंसिलेशन काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा इसका जो स्टीरियो इफेक्ट है, सराउंड साउंड आपको मिलेगा गेम खेलते वक्त, वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो आप डिटेक्ट कर सकते हैं कौन किस साइड से आ रहा है या फिर क्या आवाज़ किस साइड हो रहा है काफ़ी ईजिली। अगर इसका मैं एक और प्रो का बात करूँ, तो आप देख सकते हैं इसका वायर का लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इसको दूर से यूज़ कर सकते हैं, पास बैठने का ज़रूरत नहीं है। अगर हम कौन की बात करें इसका, तो सबसे पहले चीज़ कि इसमें कोई प्ले या पाउज का बटन नहीं दिया हुआ है, जो कि ऑब्वियसली गेमिंग हेडसेट में मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप इसे म्यूज़िक सुनने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इशू फेस करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली ये वायर्ड है, तो अगर आप वायरलेस इधर उधर घूमना चाहते हैं, म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए नहीं है, ये बिल्कुल गेमिंग के लिए है। अगर एक और कौन का आप बात करें, तो इसमें बेस उतना नहीं मिलेगा जितना कि आपको एक म्यूज़िक हेडफोन में मिलना चाहिए, ऑब्वियसली ये म्यूज़िक हेडफोन नहीं है। तो ये सब कॉन्स हैं, जो कि मैं कॉन्स बोलने के लिए कौन बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली ये वन ऑफ द बेस्ट हेडफोन है। और इसका प्राइस जो है 4000 के अप्रॉक्स है, आप खरीद सकते हैं इसे, डिस्क्रिप्शन लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को रिव्यूअर जोन, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे आपके लिए हमेशा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।